गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेमेस्टर 3 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लाभ के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिद्धांत का नाम है लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत, इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं प्रोफेसर सुम्पीटर। इस सिद्धांत के अनुसार उद्यमी का कार्य नव प्रवर्तन अर्थात नए आविष्कार करना तथा उन्हें लागू करना है। इन नव प्रवर्तनों के फलस्वरूप उद्यमी को जो पुरस्कार प्राप्त होता है वह लाभ कहलाता है। प्रोफेसर सुम्पीटर ने नव प्रवर्तन शब्द का प्रयोग काफ़ी विस्तृत अर्थों में किया है। उनके अनुसार वे सब आविष्कार तथा परिवर्तन जिनके फलस्वरूप उत्पादन लागत को कम किया जा सके या औसत आय को बढ़ाया जा सके, जिससे आय तथा लागत का अंतर अर्थात लाभ बढ़ जाए, नव प्रवर्तन कहलाते हैं। नव प्रवर्तन चार प्रकार के होते हैं: नई वस्तु का उत्पादन, नए बाजार की स्थापना, कच्चे माल के नए साधन की खोज, उद्योग का पुनर्गठन। सुम्पीटर का विचार था कि साहसी को लाभ नव प्रवर्तनों को उत्पादन के क्षेत्र में लागू करने के कारण प्राप्त होता है। इन नव प्रवर्तनों को लागू करके साहसी अपनी वस्तु को दूसरे उत्पादकों की तुलना में कम लागत में उत्पादित करता है तथा उसकी बिक्री अधिक मात्रा में करके लाभ प्राप्त करता है। सुम्पीटर ने वैज्ञानिक एवं नव प्रवर्तन में अंतर किया है। उनके अनुसार वैज्ञानिक वह व्यक्ति है जो नई विधि एवं नई तकनीक की खोज करता है, किंतु नव प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो इन खोजों का प्रयोग लाभ कमाने के लिए अपने व्यवसाय में करता है। यह उल्लेखनीय है कि नव प्रवर्तन अथवा नई पद्धति के माध्यम से प्राप्त होने वाले लाभ अस्थायी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि जब यह पद्धति सर्वज्ञात हो जाती है तब अन्य प्रतियोगी फर्में भी उस नई पद्धति का उपयोग करने लगती हैं। जैसे ही अन्य फर्में लाभ की आशा से नई उत्पादन विधि को अपनाती हैं, वैसे ही लाभ की मात्रा कम होने लगती है और क्रमशः लाभ खत्म हो जाता है। किंतु गतिशील और प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में योग्य साहसी फिर से नव प्रवर्तन करके लाभ अर्जन के मांग ढूंढते हैं और यह क्रम चलता रहता है। इसे हम लोग एक सामान्य या साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम दो किसान को लेते हैं। एक किसान द्वारा परंपरागत तकनीक से हल बैल द्वारा एवं श्रमिकों की मदद से एक समान क्षेत्रफल वाले भूमि पर कृषि कार्य की जाती है। इससे क्या होता है कि उसे कृषि कार्य करने में अधिक समय, अधिक मेहनत एवं अधिक लागत लग सकती है, और इसके फलस्वरूप यदि वह उत्पादन 100 क्विंटल के बराबर करता है और बाजार में एक क्विंटल की कीमत 5 रुपये होती है तो 100 क्विंटल की कीमत 500 रुपये प्राप्त होगी। वहीं दूसरे किसान उतने ही भूमि पर, जितने भूमि पर पहले वाले किसान ने पारंपरिक विधियों से कृषि कार्य की थी, वह नवीन विधियों से या इनोवेशन करके, जैसे ट्रैक्टर द्वारा खेत जुताई करके, मशीनों के प्रयोग के द्वारा बीजारोपण करके, नई HYB सीड्स या जिसको हम लोग कहते हैं संकर नस्ल की बीजों का प्रयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके, उर्वरक एवं खाद का प्रयोग करके एक नई तकनीक से वह कृषि कार्य करता है, तो वह उसी फसल का
उत्पादन 5000 क्विंटल कर लेता है। तो 5000 क्विंटल को यदि एक क्विंटल की 5 रुपये की दर से अगर वो बेचता है तो वो 25000 हो जाता है। तो पहले वाला किसान जहाँ उसी उतने ही भूमि भाग पर 500 रुपये की प्राप्ति की थी, इसने 25000 की प्राप्ति की है। तो यहाँ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उसकी लागत अधिक लगी है। जी नहीं, अगर प्रति इकाई उत्पादकता अगर हम देखेंगे और प्रति इकाई लागत की बात करेंगे तो हम नवप्रवर्तन या नवीन विधियों के प्रयोग के द्वारा दूसरे किसान ने जो खेती किया है उसकी लागत कम आएगी, तो जाहिर है कि उसे लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसे हम लोग नवप्रवर्तन का एक सामान्य उदाहरण लेकर हम समझाने का प्रयास किए हैं। तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रोफेसर सुम्पीटर ने दिया था, और इस सिद्धांत का के द्वारा लाभ का निर्धारण कैसे होता है, लाभ क्यों उत्पन्न होता है, इसके लिए सुम्पीटर ने बताया कि उद्यमी का कार्य नवप्रवर्तन का होता है, और जो उद्यमी जितना अधिक नवप्रवर्तन का प्रयोग करेगा वह उतना ही अधिक लाभ की प्राप्ति करेगा। लेकिन यह नवप्रवर्तन क्या है, स्थैतिक नहीं है, गतिशील है। जैसे ही दूसरे उद्यमी द्वारा भी उस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो लाभ की मात्रा कम होगी, तो सफल उद्यमी फिर नवप्रवर्तन करेगा, यानी नई तकनीक का प्रयोग करेगा, नई जो दूसरे उद्यमी नहीं कर रहे हैं उस तकनीक का प्रयोग करेगा, तो जाहिर है उसे फिर से लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। परंतु सुम्पीटर द्वारा दिए गए लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत की यानी इनोवेशन थियरी ऑफ प्रॉफिट की आलोचनाएँ भी की गई है। उनकी आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं। पहला, इस सिद्धांत में लाभ को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों को महत्व नहीं दिया जाता है, अर्थात लाभ केवल नवप्रवर्तन से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि हो सकता है अनिश्चितता वहन करने का भी सिद्धांत हो, या जोखिम उठाने का पुरस्कार हो, या अन्य भी तत्व हो सकते हैं। लेकिन यह क्या करता है, केवल नवप्रवर्तन को ही लाभ का आधार मानता है, अतः यह सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत नहीं है। दूसरा, यह सिद्धांत लाभ की मात्रा निर्धारित करने में असमर्थ है। लाभ कितना उत्पन्न होगा यह नहीं बता पा रहा है, सिर्फ यह बता रहा है कि लाभ उत्पन्न होती है, नवप्रवर्तन के कारण लाभ की उत्पत्ति होती है। तीसरा, सभी उद्यमी नवप्रवर्तनों का प्रयोग नहीं कर पाते, जबकि लाभ सभी उद्यमों को प्राप्त होता है। पहला किसान ने भी 500 रुपया कम की आय की प्राप्ति हुई उसको फसल उत्पादन को बेचने के पश्चात, तो जाहिर है उसे भी लाभ की प्राप्ति हुई होगी। लागत हो सकता है 400 रुपया पड़ा होगा, तो 100 रुपये की लाभ की प्राप्ति हुई, और दूसरे वाले को 25000 और 5000 की लागत आई थी तो 20000 की लाभ की प्राप्ति हुई। यानी लाभ दोनों ही स्थिति में उत्पन्न होती है, अतः केवल नवप्रवर्तन के प्रयोग कारण लाभ की प्राप्ति नहीं होती है, अतः यह सिद्धांत एक सीमित व्याख्या है। चौथा, यह सिद्धांत केवल नवप्रवर्तन या नई रीतियों पर ही बल देता है, लेकिन उद्यमकर्ता का प्रमुख कार्य अनिश्चितता झेलना होता है। एक उद्यमकर्ता भविष्य के संबंध में जितना सही अनुमान लगाता है उतने ही अधिक लाभ मिलते हैं, वह संगठन एवं समन्वय का भी कार्य करता है, अतः यह सिद्धांत भी लाभ के तत्वों पर लाभ के एक ही तत्वों पर अर्थात नवप्रवर्तन पर आवश्यकता से अधिक बल देता है। तो इस तरह से कुछ आलोचनाओं के आधार पर, कुछ तत्वों के आधार पर, कुछ कमियों के आधार पर लाभ के नवप्रवर्तन सिद्धांत की आलोचना की गई है। परंतु फिर भी सुम्पीटर द्वारा दिया गया नवप्रवर्तन का तत्व, नवप्रवर्तन की अवधारणा अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और कहीं न कहीं लाभ की उत्पत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।